बाला डायरेक्ट किया है इसे अमर कौशिक ने, और जो इसके अंदर स्टारिंग है आयुष्मान खुराना, यामी गौतम, भूमि पेडनेकर, सौरभ शुक्ला, शीमा पहवा, जावेद जाफरी। अगर स्टोरी की बात करें तो ये एक स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जो 25 साल की उम्र में अपने बाल खो देता है, जिसका नाम होता है बाल मुकुंद शुक्ला, जिसे निभाया है आयुष्मान खुराना ने, जो एक कंपनी में काम करता है जो गोरा बनाने वाली एक क्रीम बेचती है, उस कंपनी में काम करता है और लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाता है कि आप ये अगर क्रीम लगाएंगे तो आप गोरे हो जाएंगे, जबकि वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर गया होता है 25 साल की उम्र में जब उसके बाल झड़ जाते हैं। साथ ही साथ आयुष्मान खुराना यानी बाला, बाल मुकुंद शुक्ला जो है वो, इसका शॉर्ट नेम है बाला, वो इसलिए नाम रखा गया था क्योंकि इसके बाल जो थे बचपन में बहुत खूबसूरत थे, इसलिए इसका नाम रखा बाला। तो बाला साथ ही साथ एक स्टैंड अप कॉमेडियन का भी काम कर रहा होता है, मतलब अपने आप को आजमा रहा होता है कि स्टैंड अप कॉमेडियन में कहीं ना कहीं अपना नाम कर सके, तो वो एक ये वाली जो जॉब कर रहा है वो इसको छोड़ दे और स्टैंड अप कॉमेडियन परमानेंट आ जाए। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ था। अब अगर इसका विस्तार से बात करें इस मूवी में, यह मूवी बहुत कुछ हमें सिखाती भी है कि केवल इंसान का एक लुक मैटर नहीं करता, एक जो सामने जो इंसान है वो कैसा है बात करने में, वो उसके अंदर क्वालिटीज़ क्या हैं, वो कितनी रिस्पेक्ट करता है, वो किसके बारे में क्या सोचता है, उसके विचार क्या हैं, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये तय करती हैं कि सामने वाला जो इंसान है वो कैसा है। इस मूवी की शुरुआत होती है और शुरुआत होते ही ये बताती है कि इंसान का घमंड काफ़ी दिनों तक का नहीं है, कि अगर इंसान किसी चीज़ पे घमंड करता है तो वो ये सोचता है कि सारी उम्र उसके पास रहेगी। ये चीज़ उस ये मूवी जो है वो इस चीज़ को बताती है कि आप जिस चीज़ पे घमंड कर रहे हो आने वाले टाइम में वो आपके पास नहीं रह सकती, तो घमंड किस बात का। ऐसा ही जब बाला जो है शुरू बचपन में ही अपने बालों पे, अपने लुक पे बहुत घमंड करता है, स्कूल में सब लड़कियां उसके ऊपर मरती हैं, और वहाँ पे एक लतिका नाम की एक लड़की को भी दिखाया गया जिसका डार्क कॉम्प्लेक्स है, जिसे आगे चलकर भूमि पेडनेकर निभाएंगी। जो लतिका होती है उसका डार्क कॉम्प्लेक्स होता है, तो बाला जो है इसका मजाक उड़ाता है कि तू मेरे बारे में सोच भी नहीं सकती क्योंकि तेरा लुक मेरे बराबर, मतलब कि जो तेरी शक्ल है, जो तेरा कलर है, वो तुझे इजाज़त नहीं देता कि तू मेरे बारे में सोचे। तो ये ऐसी चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं, तब ये बताते हैं कि भाई अब घमंड किस बात का था, कि घमंड इसी बात का था कि लुक है और बाल बहुत अच्छे हैं। जो ये घमंड जब जाता है बाला का 25 साल की उम्र में, साथ ही साथ इसका कॉन्फिडेंस भी चला जाता है। तो इंसान को ये मूवी बहुत अच्छे से ये बता भी रही है कि घमंड किस बात का करना, कि घमंड तो आने वाले टाइम में टूट गया था। अरे रावण का घमंड नहीं रहा था, तू तो फिर भी एक सर वाला इंसान है, तेरा काहे का घमंड रहना। और इधर हम बात करें लतिका की, जिसका डार्क कॉम्प्लेक्स है, जिसको शुरू से बचपन में ही लोगों ने उसे काला रंग होने के कारण उसे बहुत चिढ़ाया है, बहुत उसका मजाक उड़ाया है। आने वाले टाइम में वो एक वकील का किरदार वकील बनती है और वो लोगों को कॉन्फिडेंस देती है कि भाई तुम्हारे लुक्स के ऊपर या तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है इसके ऊपर जो लोग आपको अपमानित करते हैं उनको कोई हक नहीं बनता और उनको आपसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। ये जो एटीट्यूड जो है लतिका के अंदर डेवलप होता है स्टार्टिंग से, जब बचपन से ही जब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, वो अपने आप को इतना मजबूत कर लेती है कि अब कोई भी उसे कुछ भी बोले उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब ऐसी दमदार एक्टिंग भूमि पेडनेकर ने की है। वहीं दूसरी ओर बाला जो है एक ऐसी कंपनी में काम करता है जो गोरा होने की जो क्रीम देता है, मुझे नाम याद नहीं वो क्रीम का उन्होंने क्या नाम रखा था, तो वो जो ये कंपनी है लोगों में अपनी क्रीम कैसे बेचते हैं, वो एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो सांवले रंग की लड़कियों को बुलाते हैं और सेमिनार करते हैं उसके अंदर, और बाला को कहा जाता है कि इनको बताओ कि समाज उन्हें कितना अस्वीकार करता है, समाज उनका कितना मजाक उड़ाता है, इनकी शादी क्यों नहीं हो रही क्योंकि उनका रंग काला है। तो इस प्रकार की जो वो एडवर्टाइजमेंट करता है वहाँ पे खड़ा होके, तो कहीं ना कहीं हमें ये दिखाने की भी कोशिश की गई है कि लोगों ये जो कंपनीज होती हैं जो गोरा बनाने वाली जो क्रीम बेचती हैं वो कैसे
मजाक उड़ाती हैं जिनका रंग फेयर नहीं होता, उन लोगों का भी ये मजाक कितनी तरीके से उड़ाती है, ये मूवी हमें ये भी बताने की कोशिश करती है। साथ ही साथ हम इससे ये भी सीखते हैं कि केवल ये मूवी गंजेपन से ही नहीं, जो इंसान काला है, जो ओवरवेट है, जो मोटा है, यानी जिसका रंग सांवला हो गया या जिसका कद कम हो गया, तो ये सब चीज़ें होने के बाद तो समाज को जैसे छूट मिल जाती है कि वो इनका मजाक उड़ा सकता है। खैर, बाला जो है वो अपने बाल वापस लाने के लिए तरह तरह के जो वो पैंतरे यूज़ करता है उसे बहुत अच्छी और खूबसूरती से कॉमेडी में परोसा गया है, जिसे देखकर आप पेट पकड़कर हंसने लग जाएंगे। वाकई में इतनी ज़बरदस्त जो कॉमेडी टाइमिंग जो इसमें दी गई है, जो इसमें जो डायलॉग डिलीवरी की गई है, वो बहुत ज़बरदस्त है। और ये मूवी हमें यह भी बताती है कि केवल हाई बजट से ही या फिर बहुत बड़े सुपरस्टार लेकर कोई बहुत अच्छी मूवी नहीं बनाई जा सकती। आपके पास बजट कम है, स्टोरी राइटिंग मतलब दमदार, स्टोरी में दम है, और केवल लुक के ऊपर नहीं, लुक्स के ऊपर नहीं, बल्कि एक अच्छी एक्टिंग के ऊपर, अच्छी स्टोरी के ऊपर, अच्छे डायरेक्शन के ऊपर, एक कम बजट में भी एक बहुत अच्छा एक मास्टरपीस तैयार किया जा सकता है। तो ये ऐसी ही मूवी है, बहुत उम्दा लेवल की, जिसके अंदर डायरेक्शन, एक्टिंग, स्टोरी, हर चीज़ इतनी ज़बरदस्त है। इसको कितना रियलिस्टिक रखा गया है, सबसे प्लस पॉइंट तो इसका ही है, इसको इतना ज़बरदस्त रियलिस्टिक रखा गया है, आपको देखकर लगेगा ही नहीं कि हाँ यहाँ पे कुछ ज़्यादा लोथापोती की गई है, यहाँ पे आपको कुछ ओवर एक्टिंग लग रही है, नहीं, इतना ज़्यादा रियलिस्टिक इसके अंदर रखा है। जब बाला अपने बालों के लिए प्रयत्न कर रहा होता है कि करीबन करीबन वो 200 नुस्खे आजमा चुका होता है कि अपने सर पे वो क्या क्या लगाए, उल्टा लटके या मतलब उल्टा हो जाए, अपने सर पे प्याज लगाए, गोबर लगाए, कुछ भी, मतलब वो उसके सर पे बाल आने चाहिए, इसके लिए 200 वो पैंतरे यूज़ कर चुका होता है, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं आता। धीरे धीरे जब जब उसके बाल गिरते चले जाते हैं, उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल ख़त्म होता चला जाता है, और इस को वो स्वीकार भी नहीं करता कि हाँ वो गंजा हो रहा है, इसको वो स्वीकार भी कर ले, नहीं, वो इसको स्वीकार नहीं करता, और वो इस मशक्क़त में लगता है कि मैं अपने बाल वापस ला के रहूँगा, लेकिन इतने सारे कोशिश करने के बाद भी जब उसके बाल वापस नहीं आते, तब जो उसके पिता हैं, जो इसका किरदार निभाया सौरभ शुक्ला जी ने, और जो उसको विग देते हैं ला के, अब ये जो बाप बेटे का जो किरदार है इसके अंदर, वो भी बहुत, आप कह सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त, एक इसमें हर चीज़, जो सौरभ शुक्ला है और जो आयुष्मान खुराना है, उन दोनों में जो बाप बेटे का जो कनेक्शन है, नोक झोंक है, फिर बाद में लड़ाई करना, लड़ाई करके वापस में उसे माफ़ी मांगना, ये सब चीज़ें इतनी आपको रियलिस्टिक लगती हैं, बहुत देख के एक हार्ट टचिंग जो लगा कि हाँ सिर्फ इमोशनल, पूरा इमोशनली रखा गया है यहाँ पे। तो जो है सौरभ शुक्ला जो है वो इन आयुष्मान खुराना को एक विग ला के देता है ताकि वो अपने गंजेपन को छुपा सके, और जो वो है लखनऊ चला जाए, लखनऊ जाके किसी को पता नहीं चलेगा कि जो इसने विग लगा रखी है, वापस आएगा कह देना कि इसने कुछ दवाई यूज़ की थी जिससे बाल वापस आ गई, तो ऐसा ही कुछ करता है, लखनऊ जाता है कंपनी की तरफ से, तो वहाँ पे ये परी से मिलता है। परी एक बहुत बड़ी टिकटॉक स्टार होती है, इसमें टिकटॉक को वास्तव में इतना बड़ा प्रमोशन दिखाया गया है, वैसे ही प्रमोट तो करेगा ये टिकटॉक को प्रमोट तो किया जाएगा, क्योंकि टिकटॉक इसमें मीडिया पार्टनर जो है, मतलब इतना ज़्यादा टिकटॉक का क्रेज़ हो जाएगा, सोचा नहीं था, अब तो मूवीज़ में आ गया है तो ये लोगों को कितना इन्फ्लुएंस करने वाला है। खैर, टिकटॉक जो एक टिकटॉक स्टार होती है, और साथ ही साथ जो आयुष्मान खुराना होता है यानी बाला, वो जानता है परी को, परी का जो यामी गौतम ने जिसे निभाया है, तो वो जानता है कि परी के पास कितने फॉलोअर्स हैं, कितनी बड़ी टिकटॉक स्टार है, तो आयुष्मान खुराना उससे मिलता है, अपने लुक से, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से उसे इम्प्रेस करता है, और ये सब होने के बाद एटलीस्ट उनकी शादी भी होती है, शादी होती है, तब शादी होने के बाद यामी गौतम यानी परी को पता चलता है कि जो बाला है वो गंजा है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ कि जो परी है उसको स्टार्टिंग से ही यह सिखाया गया है कि लुक्स कितना मैटर करता है, ये लुक्स लुक्स जो होते हैं एक इंसान के, वो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसने जब एक जो इसमें सीन आया था, जब ये
परी कहती है कि मेरे मैं जो क्लास में जो एवरेज थी 45% आते थे, तो सब लड़के मेरे पीछे पीछे इसलिए चलते थे क्योंकि मैं सबसे खूबसूरत थी, और टिकटॉक पे भी मैं इतनी ज़्यादा फेमस हुई क्योंकि और मुझे इतनी पॉपुलरिटी मिली क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ, तो लोग ही इस खूबसूरती को बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं एक ऐसे लड़के से शादी करूँ जो खुद खूबसूरत हो। तो ये जो लोगों की वो मेंटेलिटी से कितनी प्रभावित होती है ये भी दिखाते हैं लोग इस मूवी में। अगर आप एक्टिंग की बात करें तो आयुष्मान खुराना की, जब से स्टार्टिंग की कोई मूवी आप उठा के देख लीजिए, जो उन्होंने जो एक्टिंग की है वो बहुत दमदार रही है शुरू से लेके, और ये जो मूवी है ये बाला, उसमें भी बहुत एक उस करेक्टर में आप पता ही नहीं लगा पाएंगे वो आयुष्मान खुराना है या बाला है, आपको लगेगा वो बाला ही, आयुष्मान खुराना नहीं है। इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की, और जो इसमें जावेद जाफरी जी को जो बीच बीच में जो रोल दिए गए उनको, मतलब बहुत कम स्क्रीन टाइमिंग दी गई है लेकिन जब भी दी गई है वो इतने गुदगुदा के गए हैं, कितना हंसा के गए हैं। और साथ ही साथ सौरभ शुक्ला जी और सीमा पहवा का जो रोल इसमें दिखाया गया है इन दोनों का, बहुत ज़बरदस्त है। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो मूवी है समाज पे कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट डाले कि लोगों को उनके लुक से नहीं, उनके आचार विचार से उन्हें जज करे कि वो कैसा है। खैर, ये तो समाज पे असर डाले इतनी तो उम्मीद मैं करता हूँ, और हाँ इतनी मुझे आशा भी करता हूँ कि लोग इसको एक पॉजिटिव वे से लें। अब बात करें एक, ये जब मैं मूवी देख के निकला तो मुझे एक इंटरव्यू याद आया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने जो इंटरव्यू दिया था आपकी अदालत में, तो मुझे उनकी बात याद आती है। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब वो स्ट्रगल कर रहे थे मुंबई में, उनको 12 साल लग गए अपने अपने लिए एक अच्छा रोल लेने के लिए, तो ये बता रही है कि मूवी कि ये सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए नहीं, ये बॉलीवुड के लिए भी है जो लुक्स को कितना प्रेफर करते हैं। मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी जो इतनी बेमिसाल एक्टिंग जो करते हैं, उनको इतना टाइम लग गया अपने आप को प्रूव करने में, सिर्फ और सिर्फ जो उन्होंने रीज़न दिया वो ये था कि जब भी वो किसी भी रोल के लिए जाते तो उनको इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता कि क्योंकि उनकी जो है रंग रूप इतना अच्छा नहीं है, उनका जो शरीर जो है वो इतना अच्छा नहीं है, इसलिए उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था। हीरोइन जो होती थी उनका अपमान कर देती थी, ये खुद वो बोलते हैं अपने इंटरव्यू में। तो ये एक बॉलीवुड की भी सच्चाई है कि बॉलीवुड क्या कर रहा है इन चीज़ों में, बॉलीवुड खुद ऐसी ऐसी चीज़ों को प्रमोट करता है जो लोगों को मतलब वो खुद एक इन्फ्लुएंसर बनता जा रहा है। बॉलीवुड लोगों को ये बताता है कि आप ये चीज़ खरीदें तो आपको इससे बेनिफिट होगा, आप इतने अच्छे दिखेंगे। तो खुद बॉलीवुड को भी इस मूवी से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, केवल बाहरी लोगों को नहीं, जो बॉलीवुड करता आ रहा है आज तक वो कैसे प्रेफर करता है गुड लुक्स को, मतलब हर चीज़ को इतना दमदार बना के कि ये क्रीम ले लो आपके बाल ऐसे हो जाएंगे, ये क्रीम ले लो आपकी त्वचा ऐसी हो जाएगी, हर चीज़ को तो बॉलीवुड खुद प्रमोट करता आ रहा है, सुंदरता को कितना प्रमोट करता है। तो खुद इस बॉलीवुड को भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से सीखने की ज़रूरत है। इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 9 out of 10 स्टार। जब आप में मूवी देखेंगे तो आपका पूरा वैसा वसूल होगा, ऐसा नहीं है कि आप कहें कि हाँ मुझे पसंद नहीं है, बहुत पसंद आने वाली है आप लोगों को ये मूवी। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो नीचे कमेंट में अपने विचार रख सकते हैं, और नहीं देखी है तो जाके देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलना है। बहुत कम ऐसी मूवीज़ आती हैं जो कम बजट में होती हैं और इतनी दमदार एक्टिंग होती है, इतना अच्छा डायरेक्शन, इतनी अच्छी स्टोरी और इतना अच्छा सोशल मैसेज उसमें दिया जाता है। तो बेशक मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ये मूवी जाके देखें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।